हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउज वेलवेट फैब्रिक में और ये हम लेस की हेल्प से बनाएंगे और ये बिल्कुल ही रेडीमेड की तरह लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लाउज के मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। ब्लाउज की तैयार लंबाई होगी 14.5, इसमें 1 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे तो 15.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, इसमें हम नेक लेंगे 2 इंची, बाकी का 3 इंची रहेगा शोल्डर के लिए और वो 3 इंची में हाफ हाफ इंची दोनों तरफ स्टिचिंग में जाएगा। और ये देखिए, अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5। बस्ट है 40 इंची में हम फोर्थ पार्ट लगाएंगे तो होगा 10 और 10 प्लस 2 इंची मार्जिन के लिए तो 12 इंची पर निशान लगाएंगे। नीचे वेस्ट साइज़ है 36, तो 36 का फोर्थ पार्ट है 9 में 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे तो 11 इंची पर नीचे निशान लगाएंगे। और अब हम इसे आर्म होल का शेप देने के लिए 1.5 इंची पर हम निशान लगाएंगे और अब हम इसे कट करेंगे। मैंने इसे लाइनिंग पर फिर से अटैच कर दिया है और इसे जैसे है वैसे ही सेम ड्रॉ कर लिया है बैक पार्ट को। और अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में कुछ चेंजिंग होगा जिसके लिए नीचे 1 इंची का एक्स्ट्रा हम लगाएंगे निशान और इसे सीधा ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंची पर। अब हम इस पर सीधा ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसे 2 पार्ट में बांटेंगे। हम इसमें दोनों साइड में 1-1 इंची का निशान लगाएंगे और आप चाहे तो 3 इंची या 2 इंची एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मैंने इसमें 2 इंची एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड में 1-1 इंची और फिर मैं इसे देखिए ड्रॉ करने के बाद 2 इंची ही मैं एक्स्ट्रा लूँगी बढ़ाने के लिए और फिर हम इसे सीधा करके ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, ऊपर में भी मैंने 1/2 इंची बढ़ा दिया है और फिर हम इसे तिरछा ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसे देखिए कट करेंगे। अब हम इसे बस्ट पॉइंट पर प्रिंसेस कट का निशान ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे सीधे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे और ये में हमारा बस्ट पॉइंट अटैच हो गया और अब हमारा ये पूरी तरह से प्रिंसेस कट का निशान लग गया और इसे हम कट करेंगे और फिर हम इसे मेन फैब्रिक पर रख करके सेम टू सेम इसे कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर कट करने के बाद अब हम इसे स्टिच करेंगे। सारे पार्ट को मैंने खोल करके एक एक के साथ लाइनिंग के साथ वेलवेट को अटैच किया है और पिनअप किया है और फिर अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे चारों तरफ। पहले से कच्चा करेंगे। एक एक पार्ट को हम इस तरह से कच्चा करेंगे और कच्चा करने के बाद हम इसे एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। ये फ्रंट पार्ट का है, फर्स्ट पार्ट है और देखिए, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे जब हम इसमें लाइनिंग के साथ इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे तो। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे और देखिए ऐसे इसे कट करेंगे और फिर हम इसे लाइनिंग को दूसरे के साथ अटैच करने के लिए, ये देखिए बीच का पार्ट इस पर भी मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये दोनों फ्रंट पार्ट के एक साइड का लेफ्ट या राइट आप कह सकते हैं तैयार हो जाता है इन दोनों पार्ट को सिलने के बाद। और फिर हम इसमें इसका स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसे फैला कर रख लेंगे और फिर इसे मैच करेंगे और फिर इसे स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद ये फ्रंट पार्ट का एक साइड तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरा साइड भी तैयार करेंगे और जब ये दोनों साइड तैयार हो जाएगा तब हम इसमें हम नेक की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। और इसमें मैं फ्रंट पार्ट में वी नेक बनाऊंगी और बैक पार्ट को मैं चौकोर गला में रखूँगी और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और देखिए, इसको मैं ड्रॉ करूँगी ऐसे, जितना लंबा चाहे आप इस नेक को रख सकते हैं, मैं ज़्यादा डीप नहीं रखूँगी नेक को। अब हम मेन फैब्रिक के साथ लैस को अटैच करेंगे। उल्टी साइड को लैस के साथ रख करके हम इस पर स्टिच लगा रहे हैं और इसे हम पलटेंगे तो फ्रंट साइड में आकर के अटैच हो जाएगा। ये देखिए, मैंने हुकाई भी इसमें अटैच कर लिया है और देखिए फिर अब हम इसे सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे
ताकि अच्छे से बैठ जाए। ये ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा बन करके। और देखिए ऐसे ही अगर हम लेस और वेलवेट का यूज करके ब्लाउज बनाएं तो कम बजट में ही हमारी ब्लाउज डिजाइनर तैयार हो जाएगी। और देखिए इसे हम फिर से पलट करके इस पर स्टिच लगाएंगे दूसरी साइड का निक है, और फिर हम इसे सेट करेंगे दूसरी साइड से भी। ये सिलाई लगाने के साथ ये बैठ जाएगा बहुत ही खूबसूरती से फिनिशिंग के साथ। और अब हम इस लेस को फाइनल स्टिच करेंगे। इसे स्टिच करने के लिए देखिए हम धीरे धीरे स्टिच करेंगे ताकि कपड़े में कोई झोल ना आए, और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ अटैच हो जाएगा वी नेक के साथ। और फिर देखिए कितना ही खूबसूरत लगता है बनने के। मेरा फ्रंट और बैक है, देखिए मैंने एक साथ रख के आपको दिखाने की कोशिश की है। ये मेरा बैक पार्ट है, और फिर ये देखिए इस पर हम ये रखेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत लग जाएगा लगेगा जब ये तैयार हो जाएगा। तो इस लेस के साथ मैंने एक साड़ी भी तैयार किया है, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। और देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये ब्लाउज उस साड़ी के साथ, और इसमें मैं स्लीव में भी इसी तरह से लेस को अटैच करूँगी। और देखिए इस तरह से इसे अटैच करके बैठाने के बाद मैं इस पर अटैच करके मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और जैसा भी आपको ये वीडियो लगा हो अपनी राय हमें दीजिएगा। तो देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे तो ये ब्लाउज बहुत पसंद है, आप बताइएगा आपको पसंद है कि नहीं। अगर आपको पसंद होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो लेके आने वाली हूँ। ये देखिए फाइनल लुक है इस ब्लाउज का, इस साड़ी के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।